लॉकडाउन दो में भी इमदाद और फलाही कामों का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में अब कौम की खिदमत, फलाही कामों और इमदाद के सिलसिले में नौजवान भी आगे आ रहे हैं। हैदराबाद के अहमदनगर ओएसीपुरे में आज नौजवान मोहल्ले ने मोहल्ले के गरीब लोगों में तरकारी की तकसीम अमल में लाई और साथ ही अपने मोहल्ले की सफाई का काम भी शुरू किया। नौजवान लॉकडाउन के बाद घरों में बंद रहकर बोर हो गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नौजवान गैर ज़रूरी घूम फिर कर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के बजाय अपने मोहल्ले के तमाम अफराद को बीमारियों से बचाने के इकदाम का सिलसिला शुरू किया है। यह नौजवान मोहल्ले की सफाई करके तमाम नौजवानों को एक पैगाम भी दिया है कि हम अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखें ताकि हम, हमारा ख़ानदान, हमारे पड़ोसी और हमारा मोहल्ला बीमारियों से पाक रहें। अहमदनगर डिवीज़न में वाटर हाउस की जानिब से 4-8 दिन पहले मुहरी वाले आके मुहरी साफ करके गए, क्या अपोजिट करेना बैंक की सामने की गली बिल्कुल, यही साहब को फ़ोन करे वाटर हाउस के तो कोई जवाब नहीं आ रहा। अपने GHMC के यही साहब से भी बात करें तो कोई जवाब नहीं आ रहा। यहाँ अहमदनगर डिवीज़न की इतनी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर दो दो कॉरपोरेटर है, एक कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर है, एक आयशा रुबीना मैडम है, लेकिन यहाँ पे अवैसीपुरा और एमवी नगर को कोई पूछ के और पुरसाने हाल नहीं है। मोहरी तो साफ हो गई, इससे और वबा नहीं फैलती, क्या कोरोना वायरस नहीं फैलता, स्टे होम तो आप बता रहे, स्टे होम कहाँ से रहेंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये मोहरी साफ करना नहीं मालूम आपको। एक छोड़ के दो दो कॉरपोरेटर है, कोऑप्शन मेंबर भी है, आयशा रुबीना मैडम भी है, कोई तवज्जो नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। फिर ये बच्चों से ये बीमारी फैल गई तो इसका कौन जिम्मेदार? मास्क का इस्तेमाल करो कर रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो कर रहे, वो तो सब कर रहे, पब्लिक बराबर पुलिस को भी कॉपरेट कर रही, गवर्नमेंट को भी कॉपरेट कर रही, जरा आप लोग भी जरा कॉपरेट करिए। और आज तक अवैसीपुरा की गलियों में और कैनरा बैंक के सामने गलियों में आज तक भी सैनिटाइजर नहीं आया, क्या अवैसीपुरा अहमदनगर डिवीजन में नहीं आता? आज तक भी एक बार भी सैनिटाइजर वाला आके सैनिटाइजर नहीं मारा। जरा आप लोग से हम इल्तजा करते हैं कि आप लोग भी तवज्जो दीजिए कि सैनिटाइजर मारने के लिए, और आइंदा बार अगर कोई गाली को भेज रहा है मुहरी वालों की तो साफ सफाई का भी ख्याल रखिए। महल्ले वाले आपका साथ दे रहे, गवर्नमेंट का साथ दे रहे, डिपार्टमेंट का साथ दे रहे, लेकिन ये जो वोट मांगने जो आते हैं लीडर हाँ, वो बिल्कुल भी महल्ले वालों का तो लिहाज भी नहीं रख रहे ना, कोई ख्याल रख रहे, मान नहीं दे रहे, नहीं देते भाई लोग हाँ। अभी इसीलिए नौजवान महिला मिलकर जो है तो खुद एक दूसरे का हाथ बटा लेते हुए जो है तो हम लोग ये गंदी मुहरी का जो है जो कचरा जो है तो हम खुद उठाकर जो है तो हम खुद डाल रहे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ।